हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कटुरिया आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे लॉजिकल वेन डायग्राम के पार्ट टू में। आई होप आप पहला पार्ट देख चुके हो। बहुत ही एक है ना शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक है, जहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिया, बहुत ही इजी था। बट वो इजी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, वो अलग अलग टर्म्स, अलग अलग है ना रिलेशन पूछ के करता है। अगर आज टाइम रहा तो हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, एंड आज हम बाकी टाइप्स को भी यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, सो दैट कोई भी इशू हमको किसी भी एंगल से ना है। ठीक है, तो आप अच्छे से पहला पार्ट देख सकते हो एंड फिर आप उसके बाद से इस पार्ट में कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो आप मेरा प्रोफाइल पेज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। आई होप आप रेगुलर एंड कनेक्टेड रहोगे। तो वेन डायग्राम में हमने उस दिन सिंपल रिलेशन वाले है ना टॉपिक्स हमने किए थे, जहाँ पे हमको अलग अलग कुछ रिलेशंस गिवन हो, हमने उनमें प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने उसकी विशेषताएं देखी थी कि कैसे दो को कनेक्ट कर सकते हैं या दो से तीन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ हमने टाइप किए थे। तो आई होप आप सबको वो ऑल सम और नो है ना, यानी सारे के सारे कुछ और जो ना वाला रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं टाइप टू की बात करूं तो टाइप टू में क्या होता है कि कुछ आपको चित्र, कोई फिगर्स गिवन होंगी और आपको उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल दिया रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो क्या कह देगा, सपोज करो एक सर्कल है ना, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है और एक सपोज करो ट्रायंगल है। अब वो इसको अलग अलग रिलेशन दे सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये वो कह दे कि ये ठीक है एम रीड करते हैं। ठीक है, एम रीड का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, कि जो एम वाला न्यूज़पेपर आपका रीड करते हैं या एन रीड करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाले लोग हो गए जो एन रीड करते हैं। सपोज करो मैं न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, तो मैंने तभी उनका नाम एम एन एंड ओ अकॉर्डिंगली रख दिया। और ये वाले वो लोग हो गए जो ओ न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे दो तरीके से सवाल को बना सकता है, या तो वो नंबर दे देगा है ना, तो इनको आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इनको कैसे डिपेक्ट करवाते हो। ठीक है, अब वो अगर क्षेत्र पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये पूछता है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो आपको दिखाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एम एन और ओ तीनों को है ना, तीनों को मिला के, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों को मिला के पढ़ते हैं। तो आप एम एन और ओ को देखोगे तो वो इस वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं है ना, तो आप कहोगे वो क्षेत्र है दो नंबर वाला, तुम्हारा आंसर हो गया दो। ठीक है, कई बारी अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कितने लोग हैं यहाँ पे, तो उसने क्या पूछा, एरिया पूछा अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, या रीजन पूछा हिंदी में, वो पूछेगा कौन सा क्षेत्र है। अगर वो टोटल पूछना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कितने लोग हैं जो एम एंड एन ओनली, और ये इंग्लिश का यहाँ पे ध्यान रखना है, एम और एन ओनली रीड करते हैं, यानी ओ नहीं पढ़ते, एम और एन दोनों पढ़ते हैं। तो आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो एम और एन में बस आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये फोर दिखाई देगा है ना, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया फोर। बट अगर वो आपको कह देता कि हाउ मेनी रीड एम एंड एन, ठीक है, तो फिर आंसर क्या होगा, तो और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एम और एन का मतलब क्या है, अब ओनली नहीं लिखा, तो एम और एन का मतलब है जो आपका ये सर्कल में भी हो, जो आपके ट्राइंगल में भी हो, तो वो ये वाला एरिया कुछ हो जाएगा है ना। तो इसमें चार और दो, अब एरिया नहीं वो टोटल पूछना चाह रहा है, तो आपको चार प्लस दो छह आंसर देना है। अगर वो क्षेत्र पूछता कौन सा एरिया दिखा रहा है, तो आंसर होता फोर एंड टू। तो ये दोनों तरीके का सवाल आ सकता है, एक या तो जिसमें बस एरिया बताना होगा कौन सा रीजन है कौन सा क्षेत्र है, या आपको उनका जोड़ करके, या जोन सा भी वो आपको रीजन की बात करता है उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है जी, इनको हम रीड कैसे करते हैं, जोन सा भी एरिया की बात करिए, जोन से भी सर्कल की बात करिए, जोन से भी ट्राइंगल, जोन सी भी शेप की बात करिए, आप उसका इंग्लिश में ध्यान रखोगे क्या, उसने खाली एक एरिया के बारे में पूछा, उसने दो के बारे में पूछा, उसने दो का पूछा है बट तीसरे का नहीं पूछा, तो जब तक मेंशन नहीं है क्लियरली कि हमको तीसरे को लेना है साथ या नहीं लेना, आप ये मान के चलोगे कि उसको हमको साथ में लेके चलना है,
अंटिल अनलेस वो कहते हैं कि जैसे एन और ओ बताओ बिना एम के, तो एन और ओ बिना एम के मतलब यहाँ पे सेवन वाला एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अभी मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुछ कार्स है, कुछ ब्लू कलर है यानी नीला रंग है, और कुछ पुरानी है, ठीक है ना। तो अगर वो पूछ ले सपोज करो आपसे कि हाउ मैनी, है ना, ऐसी कितनी कार्स हैं दैट आर ब्लू, ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो नीली हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि एक्स, आप कहोगे एक्स प्लस आर, एक्स प्लस आर, अगर वो नंबर की बात कर रहा है। अगर वो कहता है विच रीजन यानी कौन सा क्षेत्र दिखा रहा है कार्स दैट आर ब्लू, ठीक है, तो आप कहोगे एक्स एंड आर कि ये दोनों को मिला के वो एरिया आ रहा है जहां पे कुछ गाड़ियां भी हैं और वो नीले कलर की भी हैं, ठीक है ना। अगर वो पूछ ले हाउ मैनी कार्स या हाउ मैनी न्यू कार्स आर ब्लू, अब देखो उसने पुराने का नाम अभी भी नहीं लिया, बट उसने यहाँ पे बड़े आराम से आपको करेक्शन करवा दिया कि हाउ मैनी न्यू कार्स, मतलब वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो यानी इस वाले गोले के बाहर, इस वाले सर्कल के बाहर होना चाहिए, और कार होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए, तो आंसर हो गया एक्स, ठीक है, तो आंसर हो गया एक्स। अब वो सपोज करो ऐसी कार्स और ओल्ड में, मतलब गाड़ी और पुराने में पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है ऐसे कितनी गाड़ियां हैं जो नीली भी हैं पुरानी भी हैं, तो आप कहोगे कि वो ये कॉमन एरिया है ना, तो कौन सा क्षेत्र जितने से मिल रहा है उतना हमारा ये कॉमन एरिया आ जाएगा, उससे हम सिंपली उस नंबर को पिक कर लेंगे, उससे हम उसको आंसर कर देंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। वो कुछ भी क्वेश्चन बनाए आपने घबराना नहीं है, बस सिंपली रिलेशन देख लेना है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं लेनी, अगर वहां पे लिखी हुई है तो उसको साइड कर देना, नहीं तो सबको इंक्लूडेड लेके चलेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इन टॉपिक का इस टाइप का देख लेते हैं और फिर हम अपने थर्ड टाइप पे चलते हैं, ठीक है जी। चलो अब जैसे यहाँ पे ये सवाल आया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है MTS 2021 का, कि हाउ मेनी पीपल आर यंग, ऐसे कितने लोग हैं जो कि युवा हैं। तो अगर हमको पूछा है पीपल और यंग, तो हम ये नहीं सोचेंगे लॉन्ग की तो बात नहीं हुई है ना, लंबे लोगों की बात नहीं, तो पीपल और यंग पूछा है तो यानी ये वाला एरिया कॉमन आ गया दोनों में दिखाई देगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 31 प्लस 68, क्योंकि उसने हाउ मैनी पूछा था तो हम ऐड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 99, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। अगर वो पूछ लेता सपोज करो, मैं सारे टाइप्स यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ कि लॉन्ग ओनली है ना, ये ऐसे कितने हैं जो बस आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ओनली लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो आपको हो गया कि 63 है। अगर वो सपोज कह देता लॉन्ग पीपल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर दोगे 19 प्लस 68 कर दोगे, इस चीज का सॉरी ध्यान रखिएगा 19 प्लस 68। अगर वो कह देता पीपल हु आर यंग एंड लॉन्ग, ठीक है, तो इंग्लिश की टेंशन मत लो कि लॉन्ग पहले आ गया है वो, हमें तो ये बताना है ना, तो तीनों का एरिया आ गया तो ये 68 हो गया। अगर वो सपोज करो पूछ लेता ओनली यंग एंड लॉन्ग, तो इसमें खाली यंग और लॉन्ग का कॉमन एरिया दैट इज 42, क्योंकि इसमें पीपल का कोई भी इंटरफेरेंस, लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, तो ऐसे आपको इनको अटेम्प्ट करने और ऐसे अलग अलग प्रकार से वो आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको सवाल दिया था उसी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो।
आपको ये बताना है कि कौन सा अक्षर है ना। अब ये यहाँ पे रीजन आ गया। अब हाउ मैनी, इसने टोटल नहीं पूछा कितने, इसने पूछा कि कौन सा जो यहाँ पे आकृति है वो अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। तो बाय पुरानी गाड़ी वी मीन ओल्ड कार्स, ब्लू कलर की कोई बात नहीं हुई, तो ओल्ड हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर आप सबको आएगा कार्स यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यानी इन दोनों का कॉमन एरिया ओल्ड का और कार्स का है ना, ब्लू की कोई बात नहीं हुई, तो वाई एंड आवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता ओनली या केवल है ना, तो फिर हम वाई मार्क करते कि जिसमें खाली गाड़ियां और पुराना का हो, ब्लू की कोई बात नहीं है, तो हम वाई मार्क करते। बट अगर नहीं लिखा तो हम पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलो ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है, तो एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको पहले लिखना पड़ता है या आपको इसको पूरा देखना पड़ता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, रफ पेपर में बनाना शुरू कर देते हैं। तो टाइम हमको कैसे बताना है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हाउ मैनी का मतलब कि गिनने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे अगर कोई सिचुएशन आ गई। पर क्या चीज, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स। तो अब मैं जब ऊपर पढ़ता हूँ ठीक है ना, तो मेरे को पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे नजर में आता है कि अच्छा हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसको हम षटभुज बोलते हैं है ना, ये आप सबको दिख रहा होगा, ये हमारा पुलिस ऑफिसर्स को दिखा रहा है ठीक है ना। तो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मुझे इंडियंस का भी देखना है, तो स्क्वायर जो कि ये वाली शेप हो गई है ना, जिसको हम वर्ग बात कर रहे हैं, तो ये भारतीयों को दिखा रहा है, तो हम इसको चूज करेंगे। तो इंडियन पुलिस ऑफिसर, इन दोनों में कॉमन देखना है। आर ग्रेजुएट, तो वो ग्रेजुएट भी होने चाहिए ठीक है ना। ग्रेजुएट हमको कैसे पता लग रहा है, पंचकोण से। तो यानी इन तीनों में चाहिए अभी तक, इन तीनों में अभी तक आप देखोगे तो आपको पांच मेरे ख्याल से दिख रहा है, दो दिख रहा है और 11 दिख रहा है ठीक है। बट उसने क्या कह दिया, परंतु है ना, वो फीमेल्स नहीं हो, वो फीमेल्स नहीं हो, तो मेरे को सर्किल जो है वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या गिवन है। तो सर्किल हमारा बेटे फीमेल्स के लिए यहाँ पे गिवन है, एक बार चेक कर लो ठीक है जी। अब वो फीमेल नहीं हो मतलब वो इसमें नहीं आ सकता, वो इस फिगर में नहीं आ सकता। तो अब इंडियन पुलिस ऑफिसर जो कि हेक्सागन में हो, जो कि पेंटागन में हो, जो कि स्क्वायर में हो, बट फीमेल नहीं हो, तो एक ही नंबर रह गया, दैट इज 11। और तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा एक साथ लिखने से पहले जो हमको चाहिए आप बस उतना पढ़ लीजिए ना कि ये चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना शुरू करना, तो आप जल्दी कर पाओगे अच्छे से। मतलब स्कोरिंग है, आप देखोगे अभी हम पीवाईक्यू उसका कुछ दिनों में इसके और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल में, बाकी एसएससी के एग्जाम्स में है ना, चाहे वो सीपी हो चाहे वो एमटीएस हो, देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो हम इसको ये ना हो कि बस ये सोचे करना है, हमको करना है और टाइम से करना है। तो आई होप आप उस पे है ना अच्छे से अपनी पकड़ बनाओगे, ये मैं पूरी आशा कर रहा हूँ ठीक है ना। चलो जी अब बात करते हैं टाइप 3 की। तो इसमें बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सबसे पहले सबसे बेसिक करा देता हूँ, क्योंकि सीरियल यूजली वहीं से वो सवाल को पूछता है। ये वैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, सेट्स में 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट इसका यूज रीजनिंग में भी हो जाता है, या काफी एग्जाम्स में वैसे भी देखने को मिलता है, तो हमको पता होना चाहिए। सेट्स क्या कहता है मेरे बच्चे, कि एक अगर ये कोई बड़ा बॉक्स है ना, तो ये हमारा टोटल मतलब उस क्लास में, चाहे वो क्लास हो या कोई लोगों की बात हो, कितने लोग हैं ये दर्शाता है। उसके अंदर दो गोले अलग अलग प्रकार से गिवन हो सकते हैं, ये यूजली इंट्रैक्शन में दिखाता है, इंट्रैक्शन मतलब मिले हुए थोड़े से, कि कुछ बच्चे सपोज करो ये हम कह दें कि ये बंदे हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये पर्सन हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो जो ये बार हमने शेप बनाया, ये क्या दिखाता है कि ये टोटल लोग हैं। अब जरूरी नहीं है कि टोटल लोग हिंदी या इंग्लिश पढ़े ही पढ़े, तो यहाँ पे कुछ एक जगह आप कहीं भी लिख सकते हो, वो क्या दिखाएगा, जो ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश है पर टोटल में आते हैं।
अब मैं एक एग्जांपल पहले इसका समझाता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखेंगे। कि जैसे मैं कहूँ कि किसी एक क्लास में टोटल सपोज करो 100 पीपल हैं, ठीक है। मैं कहूँ जी हिंदी वाले हमारे पास 30 है पीपल है, सेम ही मान लेते हैं चलो। इंग्लिश वाले हमारे पास 50 पीपल है। अभी जरूरी नहीं है कि दोनों हो ही हो, बट मैं यहाँ पे केस दे रहा हूँ, तो अगर ना हो तो आप जीरो लिख सकते हो। अगर एंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ यानी दोनों पढ़ने वाले, तो वो सपोज करो मैं कहता हूँ 10 पीपल है, और वो पूछ लेता है कि ऐसे कितने लोग हैं, है ना, ऐसे कितने लोग हैं हु डू नॉट स्टडी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, डू नॉट स्टडी एट ऑल, या वो बिल्कुल भी पढ़ाई करते ही नहीं है, मतलब उनका इंग्लिश और हिंदी से वास्ता है ही नहीं, चाहे वो एक या दो अकॉर्डिंगली वो पूछेगा, पर हम हमसे ये पूछ रहा है कि उसका उनसे वास्ता है ही नहीं। तो मेरे बच्चे आप कैसे इसको करते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टोटल गिवन है उनको बाहर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे टोटल है 100, तो यहाँ पे 100 लिख लो। ये गलती नहीं करनी कि 30 और 50, 80 और 10, 90 मतलब 30 हिंदी वाले, 50 इंग्लिश वाले, 80, 10 हो गए दोनों वाले 90, तो 100 में से 90 गए, 10 आंसर हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आपने ये समझना है और ऐसे ही बनाने का ट्राई भी करना है कि टोटल अगर 100 लोग हैं, फिर उसके अंदर ये देखो हिंदी और इंग्लिश वाले कौन से हैं, तो जो एरिया या जो क्षेत्र दोनों या तीनों चीजों से मिलके बनेगा उसको हम सबसे पहले भरेंगे। आप एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर मैं किसी क्लास में तीन ये सेट्स, तीन वेन डायग्राम जहां पे हो वो केसेस भी कराऊंगा, न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चंस। आई नो उसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है, बट जैसा एग्जाम का लेवल आप सबको पता ही है कि कैलकुलेटिव होता जा रहा है, तो उसकी फास्ट अप्रोच के साथ हम वो चीज भी डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, टोटल के बाद आपने देखना है कि दो पढ़ने वाले कितने थे या ना पढ़ने वाले कितने थे, तो हमको यहाँ पढ़ने वाले की बात है तो 10 हो गए। अब हिंदी में मेरे बच्चे टोटल 30 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया कि 30 में से अगर ये चेक करो ये हिंदी का सर्कल है, 10 तो अंदर आए गए, तो ये कितने हो गए 20। इंग्लिश में मेरे बच्चे टोटल है 50, 10 तो वो हो गए जो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये हो गए 40, ठीक है मेरे बच्चे। अब इनका टोटल लगाओ, इनका टोटल आप लगाओगे तो आप देखोगे ओनली हिंदी वाले 20, 10 ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और खाली इंग्लिश वाले 40, तो ये टोटल हो गए 70 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 70 पीपल। अब आउट ऑफ 100, 100 में से 70 लोग ही आए हैं पढ़ने वाले, तो जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे वो 30 थे, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वो लगता पढ़ के एकदम से यही है कि बस 10 आंसर है, ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। कई बार ही टोटल नहीं गिवन होगा, बस आपको कुछ और केस दे देगा तो हम बना लेंगे, बट यहाँ मैंने टोटल के साथ आपको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया। आप एक बार देखिए, कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब फॉर एग्जांपल वो कह दे कि कुछ लोग है ना क्या कहें कि नूडल्स खाना पसंद करते हैं, ठीक है, कुछ लोग सपोज करो पिज्जा खाना पसंद करते हैं। अब वो कहे कि नूडल्स वाले सपोज करो 80 लोग हैं जिनको पसंद है, पिज्जा वाले 50 लोग हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, तो टोटल बताओ। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि टोटल बताओ, और ये गिवन है कि कोई ना कोई जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ खाता है, तो मतलब ये नहीं है कि कुछ बार बैठे हैं तो आप कह दो कि डाटा पूरा नहीं है, तो कहेगा हर पर्सन या हर बंदा जो भी है, हर लोग वो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं, तो टोटल कितने लोग हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे क्या करना है, सबसे पहले जो बोथ जो दोनों में आएगा वो फिल करोगे, तो वो हो गया 20। अब नूडल्स वाले टोटल 80 थे, 20 यहाँ आ गए, तो यहाँ पे हो गए 60। पिज्जा वाले टोटल 50 थे, 20 यहाँ आ गए, तो ये हो गया 30। अब जब ये टेबल बन जाता है, ये चार्ट, ये वेन डायग्राम बन जाता है, तो हमारे टोटल यहाँ से निकल के आ जाते हैं, दैट इज 60 प्लस 20 प्लस 30, दैट इज 110, ठीक है मेरे बच्चे। अब इसको जल्दी कैसे करें सर, कि बार बार ये डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, तो क्या आपको ये रियलाइज होता है कि अगर मैं नूडल्स वाले 80 और पिज्जा वाले 50 इन दोनों को जोड़ देता तो टोटल 130 होते। पर इन 130 लोगों में जो लोग दोनों चीजें खा रही है, हमने उनको दो बार जोड़ लिया, एक बार नूडल्स के टाइम,
एक बार पिज्जा के टाइम, तो आप इसमें से घटा दोगे वो लोग जो दोनों चीजें खा रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आती है? तो मैंने क्या किया, जितने लोग खाली नूडल्स वाले थे प्लस जितने लोग पिज्जा वाले थे, उन दोनों को जोड़ा, तो नजर आया कि ये वाला एरिया तो दो बारी जुड़ गया, वो नूडल से भी आ गए और पिज्जा से भी आ गए। तो हमने एक बारी घटा दिए वो लोग जो बीच में कॉमन है, क्योंकि वो हमको गिवन था 20। तो यहां से ये आंसर आ गया 110। तो आपको ये डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बट अगर आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल गारंटी लेके चलना है कि चाहे 5 सेकंड फालतू लग जाए बट सही आंसर आए, तो आप ऐसे क्रॉस चेक हमेशा ही कर सकते हो, क्या टेंशन वाली बात है। ठीक है जी, चलो अब ये सवाल आप देख सकते हो एसएससी के ही सीएचएसएल में आया हुआ है, एंड आई होप आप इसकी वैल्यू समझ पाओ। देर आर 80 स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 80 छात्र ऐसे हैं जो कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं। 100 कंप्यूटर साइंस, 120 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर देखो आप फास्ट अप्रोच से जाओगे तो मेरे ख्याल से काफी बच्चों का आंसर आ भी गया कि क्या करना है, ठीक है ना, कि इन दोनों को जोड़ के घटा दिया। बट ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछना है या क्या पूछ रहा है ये देखे। तो कितने खाली कंप्यूटर साइंस वाले हैं हमको ये बताना था। तो खुद सोचो यार, बस 100 लोग थे। मैं कलर चेंज करता हूँ, शायद वो दिखा नहीं होगा। 100 लोग थे जो कंप्यूटर साइंस वाले थे, जिसमें से 80 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो 100 - 80 आप वहां से इजीली आंसर निकाल पाओगे, इजी है। बट हम इसको समझने के लिए एक बार बना लेते हैं, कल को वो टोटल पूछता तो फिर कैसे करते। तो 80 पीपल, 80 लोग, कौन से कंप्यूटर साइंस सीएस, और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ईएलई ईएलसी डॉट लिख देता हूँ। अब ये कंप्यूटर साइंस वाले 100, ये बाहर लिखना है प्लीज, यहाँ पे 100 नहीं लिख देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है? तो इसको आपने बाहर लिखना है बच्चे। तो जैसे ये हो गया, ओके, तो 100 ये है, 80 आ गए, तो ये 20, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमको तो बस इतना ही पूछा था, ठीक है? बट हम अभी समझ रहे हैं, तो हम पूरा बनाएंगे कि 120 था, 80 यहाँ पे, तो ये 40। तो अगर वो टोटल लोग पूछता तो मेरे को 140, 20 + 80 + 40 दिख जाता, या मेरे को फास्टर मेथड से करना था तो 100 कंप्यूटर साइंस वाले, 120 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, 220, इसमें से 80 घटा दो क्योंकि उनको हमने दो बार गिन लिया, तो 140 आंसर आ गया अगर टोटल पूछता था तो। ठीक है, तो ये हमें इस टाइप से कुछ सवाल करने होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी? अब जब ये दोनों पार्ट्स हमने कर लिए, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट एज वेल एज कुछ हमने क्वेश्चंस PYQ देखे, हम इसका नेक्स्ट पार्ट में ओनली PYQs प्रैक्टिस अब करने वाले हैं। तो अच्छे से आप तैयार रहना उस दिन के लिए, हम मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एंड फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अगेन मैं ये बिल्कुल चाहूंगा, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक शेयर जरूर करो, अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करो, चाहे आप क्लास देख रहे हो या आप बाद में देखते हो, आप लाइव नहीं देख रहे हो, अपना फीडबैक जरूर दो, काफी अच्छा लगेगा, एंड हम उसी अकॉर्डिंग आपके लिए और ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे, ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड हम आगे और क्लासेस में मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।